जिला कांगड़ा में खनन विभाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 2135 मामले पकड़कर 1.21 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। ये आंकड़ा एक साल यानी अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का है। अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए चिन्हित खनन पट्टों को लीज आउट किया गया है। विभाग की माने तो पहले की अपेक्षा अब अवैध खनन के मामलों में कमी आई है, लेकिन फिर भी विभाग पूरी तरह चौकस है तथा ऐसे मामलों पर सख्ती बरत रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार जहां से भी अवैध खनन की शिकायत आती है वहां विभाग द्वारा स्टाफ को भेजकर जानकारी जुटाई जाती है। इसके अलावा जिला में जहां भी रात के अंधेरे में खनन हो रहा है वहां भी विभाग पैनी नजर रखे हुए है। अवैध खनन के मामलों पर कार्रवाई के लिए हालांकि विभिन्न विभागों को अधिकृत किया गया है, लेकिन कुछ विभाग ही इन मामलों पर नजर रख रहे हैं। उधर जिला खनन अधिकारी राजीव कालिया ने बताया कि जिला कांगड़ा में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए खनन विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक विभाग ने 2135 मामले अवैध खनन के मामले विभाग ने पकड़े हैं और इसमें 1.21 करोड़ रुपए के लगभग जुर्माना किया है। जुर्माना लगाने के बावजूद अवैध खनन जारी रहता है तो 2 साल की सजा का प्रावधान भी है। इसके लिए कोर्ट में केस दायर करना पड़ता है। जयसिंहपुर क्षेत्र के संबंधित 2 स्टोन क्रशर जो कि अवैध खनन में संलिप्त पाए गए थे उन पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनके बिजली कनेक्शन कटवा दिए हैं। खनन पट्टों को लीज आउट किया जा रहा है जिससे अवैध खनन पर लगाम लगी है। इसमें ऐसा है कि जिला कांगड़ा में हम विभाग स्टाफ सहित जो है वो रेगुलर रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं और रेड्स के दौरान जो है वो अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 2135 मामले जो है वो विभाग ने अवैध खनन के पकड़े हैं और उसमें लगभग 1,21,00,000 का जो है वो जुर्माना किया है अवैध खनन करने वालों के खिलाफ। और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की बात है तो इसमें है कि अगर वो ऑफेंस को रिपीट करते हैं तो हम उनको 2 साल की जेल का प्रोविजन भी है। उसके लिए हमें कोर्ट में जो है वो केस दायर करना पड़ता है तो उसकी भी जो है वो कार्रवाई विभाग करने जा रहा है। जैसे ही कोर्ट बोलते हैं तो उसमें कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। स्टोन क्रशर जो थे वो अवैध खनन में संलिप्त पाए गए और उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए विभाग ने उनकी बिजली कटवा के उनको बंद करवा दिया है। ये जयसिंहपुर के हैं और 2 मामले हैं। ऐसा है कि इसमें हम रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं, आज भी हमारे इंस्पेक्टर गए हुए हैं। ऐसा कोई अगर मामला हमारे ध्यान में आता है तो उनके खिलाफ भी यही ऐसी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि ऐसे कोई ग्राफ बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम जो है वो माइनिंग लीजेस दे रहे हैं, खड्डों की ऑक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो वो ऑक्शन करने से जो है वो लीगलाइज हो रहा है तो उससे जो है अवैध खनन के मामलों में कमी आ रही है।